good evening. Good evening. Within the coming, but anyhow, we proceed. Any question, any doubt about whatever we have discussed last time or last times, whatever sessions we had? Do you watch the ka? Do you read when you go back what has happened, what you return? किसको कुछ सवाल है पहले बारे में तो पूछे पहले देन मुझे दादा ये पूछना है कि आपने लास्ट टाइम एप्पल साइडर विनेगर का बताया था, ये बार जो जो कर रहे हैं वो लोग एक्सपीरियंस शेयर करने वाले, तो हम लोग जैसे सब जो आज तक जो पता है कि लेमन जूस भी हनी लेते हैं तो भी वेट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, नॉट ऑफ 7.4 तो फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन मॉर्निंग में अगर लेमन जूस भी हनी लिया वार्म वाटर में तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैंने लेमन जूस भी हनी सालों साल लिया था, मुझ पर उसका कोई परिणाम नहीं, सेम ईयर, इसलिए मैंने छोड़ दिया। होता होगा किसको, होता होगा, हुआ होगा, होगा, मुझे नहीं हुआ, तो जो मेरे एक्सपीरियंस के दायरे में नहीं आया वो मैंने बाय। एप्पल साइडर विनेगर अब उसका प्रयोग चल रहा है, नहीं मतलब सब लोग ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं ये मानता हूँ कि एक बार मुझे लेने दो पहले 2-3 महीना, कुछ थोड़ा तो अनुभव हो उसके बारे में, फिर सब लोग ले, एंड देन इट विल बी आवर प्रोडक्ट आल्सो। मतलब फोन करेगा मोबाइल मीटिंग तो पहले या इवन वो CMD कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, वो भी मैं ले रहा हूँ रोज, सो लेट मी सी फॉर 3 मंथ्स व्हाट हैपेंस, अगर उसको भी ठोस अनुभव होता है तो वी विल इंक्लूड ऑफिशियली। मैंने CMD चालू किया अच्छा, और ठीक है विनेगर भी चालू किया, बट होता क्या है विनेगर हाफ एन आवर बिफोर लेना हो वो टाइम मैनेज नहीं हो, मेरा भी वही प्रॉब्लम हो रहा था, इतनी भूख लगती है बट बहुत बीच बीच में कंटिन्यूटी नहीं रही, अभी मैं ले रहा हूँ, अभी कंटिन्यूस 8 दिन हो गए मैं ले रहा हूँ, और मैंने मेरा अनुभव यह है 8-10 दिन का कि काफ़ी कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है उसी लेवल पर, अगर भी इतना कार्बोहाइड्रेट में खाऊँ इमीडिएटली वजन बढ़ना शुरू होता है, तो एप्पल साइडर विनेगर पीने के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जोड़ा जाए तो नहीं वजन बढ़ रहा है, मतलब पूरणपूरी मैंने खाई, मैंगो का पल्प खाया, लाइक दैट लॉट मेनी थिंग्स, एब्रेशन हुए बाद में बाहर गया था बीच, उस समय भी होटल में खाना हुआ बहुत बार, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर लेते लेते अगर करते हैं लोग वो कॉम्पेंसेट हो रहा है। परहैप्स पिछले हफ्ते सैटरडे संडे को नवरात्रि में मैं अहमदाबाद गया था तो सब खाना पीना खाया, 2.5 किलो वजन एक ही दिन में बढ़ गया, दूसरे दिन कम। तो एक बार अगर हम रेंज के पास आए ना, मतलब मेरा एप्पल साइडर विनेगर से क्या होता है जब हम लेते हैं ना इमीडिएटली सलाइवरी फ्लो बढ़ जाता है, जैसे खट्टा अंबट है ना ते, हाँ तो पूरा सलाइवेशन एकदम बढ़ जाता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग भी है, अगर थोड़ा सा भी पानी कम होता है ना, मैं तो एक ही ढक्कन लेता हूं, 5 ml पूरा नहीं ले पाता, तो बहुत स्ट्रांग 10 ml बोला है ना एक्चुअली 10 ml, वो 5 ml तक ही होता है मेरा, बहुत पानी पियोगे तो भूख नहीं लगती फिर वो खाना नहीं जाता, तो इतना पानी नहीं ले रहे हैं कि पेट ही भर जाए, तो 1-2 दिन भी ब्रेकेज हुआ लेकिन बाद में मैंने कंटिन्यू किया, लेट अस सी 3 महीने बाद क्या होता है, बट इट मे वर्क। इमीडिएटली पीने के बाद खाना खा सकते हैं? नहीं, आधा घंटा खाना, हाँ तो वो नहीं मेंटेन होता है दोपहर में टाइम। तो दादा जैसे इन्होंने अभी बताया कि आपने बताया कि अंबट है उसके लिए सलाइवा ज्यादा आता है, तो वैसे अभी आंवला की सीजन आएगी, फिर लेमन आंवला ऐसे ऑरेंज जूस कुछ भी खाने से आधा घंटा पहले पियेंगे
तो सलाइवा आएगा, लेकिन उसको वजन कम होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एसिडिक एसिड है। फर्मेंटेशन से अल्कोहल में रूपांतर होने के बाद उसका एसिडिक एसिड में रूपांतर हो चुका है, नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड। फिर एसिडिक एसिड का शरीर के मेटाबॉलिज्म में रोल है, और सिर्फ आवाड़ा जूस का जो रोल है वो अंतर है ना, उसमें सेम नहीं है ना, इट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ही बदल गया है। मुझे लगा कुछ दिन कि चलो वाइन पीने का मजा ले रहा हूँ, इट लुक थोड़ा सा वाइन जैसा लगता है, एनालिसिस देखा है अल्कोहल नहीं है इसमें, एसिडिक एसिड। तो वाइन का जो मूड था वो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं होता है। बिना समझे जब लगता था कि वाइन पी रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को लगता था, लेकिन लगा उसमें अल्कोहल है ही नहीं, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक एसिड। देखो कभी केमिस्ट्री कभी कभी मूड भी खराब कर दिए तुम्हारा। फिर हमेशा मन में आता है ना कि मैं एसिडिक एसिड पी रहा हूँ। सी व्हेन यू फील दैट यू आर ड्रिंकिंग वाइन तो बात अलग होती है, जब अंदर आपको पता है ना, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट अभी मुझे मालूम पड़ा कि ये एसिडिक एसिड है, ये वाइन नहीं है। तो जो बेखबर है उसको आप दिलासा दिला सकते हो कि नहीं नहीं वाइन पियो करके, लेकिन इट इज नॉट वाइन। सर वाइट विनेगर जो रहता है एसिडिक एसिड वाटर में मिला के बनाते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। This is also preservative itself. नहीं, वो white vinegar चलता है क्या preservative? Vegetables के लिए। Vinegar अगर रासायनिक प्रक्रिया के बगैर available है, natural है, तो चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? Chemically रहा तो नहीं। अगर synthesize करते हैं, मैंने factory में तो पता नहीं, लेकिन natural vinegar is मैं पी रहा हूँ। Vinegar itself पी रहा हूँ मैं। वो नहीं, वो तो natural होगा। लेकिन white vinegar आता है। वाटर और एसिडिक एसिड मिला के बनाते हैं। ये जो एसिडिक एसिड है उसका सोर्स क्या है, फ्रूट है क्या? नहीं, बहुत सिंपल है ना, ये एप्पल से बना हुआ उन्होंने लिख के दिया है। अगर उसका सोर्स फ्रूट है कोई, या धान है, धान से भी बनता है ना वाइन, वाइन का तो। लेकिन ये जो साइडर एप्पल जो है ना पर्टिकुलर, उसका विनेगर ही मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, नॉट एवरी विनेगर। साइडर का मतलब क्या होता है? एक टाइप है वो एप्पल का, फर्मेंट कर उसका टाइप है। अच्छा नहीं, वो सीडर वुड का नाम है शायद, वुड में वो फर्मेंट करते हैं, सीडर वुड में करते हैं। हां वो बैरल से, और वो जो एप्पल है ना वो भी सब एप्पल का विनेगर नहीं है। अच्छा, वो एप्पल भी विशेष है, उसी का है तो ही फायदा होता है। कोई भी आप जाके बाजार में से एप्पल लाओ उसका विनेगर बनेगा, लेकिन ये जो बेनिफिट्स है वो विशिष्ट जाति के एप्पल से ही मिलेगा। कभी बोलते KERIF करके आता है, वो भी वन टाइप ऑफ फर्मेंटेड चीज है। तो वो क्या है? मैंने देखा नहीं अभी तक, तो एक बार नमूना लाओ। मैंने कुछ, मुझे भी उसका कुछ पता, मैंने सिर्फ पढ़ा है। कहीं मिलेगा तो अमेज़न पर कुछ भी मिलेगा यार, अमेज़न से मंगाओ ना, देखते हैं। जब तक यू डोंट लुक एट इट, सी इट, टेस्ट इट, तब तक कैसे पता चलेगा? दूसरा क्या प्रश्न? पॉइंट नंबर 126 मध्ये दिलचं शेअर केलं म्हणजे सजेस्टेड टू 50 mg ऑफ BH आणि EPA तर ते सफिशियंट आहे काही? टीस्पून फ्लॅक्सिड ऑइल आपण जे घेतो 2 वेळा जेवण, 250 mg सजेस्ट केलं आहे की हे EPA? देखो फ्लॅक्सिड ऑइल मैंने सजेस्ट किया है एट लंच एंड डिनर विद चटनी एज ए फूड। हमेशा ध्यान में रखो कि फूड के जरिए जो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो इनसफिशियंट है। फूड के थ्रू सफिशियंट न्यूट्रिशन लेना मान लो ये असंभव है। ये पहली बात ध्यान में रखो, मैंने दिया है, किसने दिया है, नहीं दिया है, असंभव है। दो बातें हैं, एक तो इतना खाना हम खा नहीं सकते,
और दूसरी बात है, आजकल जो प्रोड्यूस उपज जो आ रही है ना, वो भी बहुत पुअर क्वालिटी की उपज है। सो आइदर वे वो अपने को सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर कुछ तो हो, थोड़ी मात्रा में तो उसका आपूर्ति हो, इसलिए मैं देता हूं। I tell you, वो जो पर्टिकुलर फ्लैक्सीड ऑयल है, अगर वो कैप्सूल फॉर्म में नहीं है, टीस्पून से ले दो, एक तो उसकी जो खुशबू है, उसको खुशबू भी नहीं बोलेंगे, वो बू ही है। एक चम्मच खाने से लोग कतराते हैं, तो वो चार चम्मच पियो, वो वोमिट करेंगे, कुछ भी नहीं पेट में जाएगा, थोड़ा सा। सो इट इज कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल ना होने से थोड़ा करो। डॉक्टर बोलेगा आपको वजन कम करना है, चलो एक घंटा चलो, एक घंटा चलने से वजन कम नहीं होता, ये अपनी धारणा है, वो बात अलग है। लेकिन अगर मान लो उसकी बात हम मानते हैं, तो आप बोले मैं पौना घंटा चलू, चलेगा क्या डॉक्टर? चलो पौना घंटा तो पौना घंटा सही, एक घंटा नहीं होता तुमसे पौना घंटा चलो, कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो ये जो मैं बोला ना वन स्पून, ये कुछ तो कैटेगरी में आता है। सो इट इज नॉट कम्प्लीट, बट एवरी थिंग इफ यू ट्राई टू कम्प्लीट इन स्टैंडर्ड मैनर, वो तो संभव नहीं है। तो एक कॉम्प्रोमाइज रहेगा, आई मीन नॉट ओनली फ्लैक्सीड ऑयल, बाकी सारे जो फूड न्यूट्रिशन है ना, सी मेरे बुक में मैंने लिखा है 40 इंग्रेडिएंट चाहिए। प्रोटीन कहाँ हमारा पूरा होता है? वजन के हिसाब से मेरा प्रोटीन मुश्किल से पूरा होता है, तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो, तो पूरा तो कुछ होगा ही नहीं, जहां तक हो सके उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज अ कोशिश, 7.4 इज अ कोशिश, प्रयत्न है तो पूर्ण नहीं होगा एक बार। चलो मान लो किसी ने पूर्ण किया भी, तो बॉडी अब्सॉर्ब कुछ करती है, सारा थोड़ी करती है, अब्सॉर्प्शन में खोट आती है, तो आइडियली होगा नहीं। लेकिन इतना आइडियली न होने के बावजूद भी हमको कि कितने रिजल्ट मिलते हैं अपने सामने, उदाहरण उसकी चर्चा करेंगे तुम्हारे क्वेश्चन आने के बाद। इसने तो पूर्ण नहीं किया होगा, मतलब 100% मैंने जो बोला नहीं किया होगा, 100% जो पूरा किया, उसके जो रेसिपीज और जो भी बनाया उसमें भी न्यूट्रिशनल लॉस है, फिर भी होता है काम को। सगळं छापील आकड्याप्रमाणे पुस्तकात दिल्याप्रमाणे होणार नाही, पॉसिबल नाही। सर शुगर नहीं, नहीं शुगर बनाते समय जो केमिकल्स यूज करते हैं वो केमिकल से डैमेज होता है, शुगर से नहीं डैमेज होता है। शुगर से क्या डैमेज होता है? शुगर से आपका बी विटामिन कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, बी विटामिन कम होने से आयरन एब्सॉर्प्शन में कमी आती है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ये नुकसान। लेकिन शुगर बनाते समय जो फॉस्फोरिक एसिड मान लो या फिर फॉर्मेलिन मान लो या और जो भी कोई रसायन यूज करते हैं, उस रसायनों की वजह से एंडोथेलियम, क्योंकि देखो वैसे देखा जाएगा शुगर ये नेचुरल प्रोडक्ट है ना, गन्ने के जूस का बनता है ना महाराष्ट्र में, भारत में कहीं बीट शुगर भी बनती है लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, मान लो बीट शुगर है लेकिन वो भी नेचुरल ही पदार्थ है ना, उसमें क्या खराबी है? एंडोथेलियम डैमेज होने के लिए शुगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंडोथेलियम डैमेज होने के लिए शुगर के साथ जो केमिकल्स आते हैं वो केमिकल्स डैमेज करते हैं, नॉट शुगर। लेकिन शुगर खाने के बाद जो इंसुलिन बढ़ता है और जो इंसुलिन सर्क्यूलेट होता है शरीर में, वो इंसुलिन डैमेज करता है, सो इनडायरेक्टली शुगर इज रिस्पॉन्सिबल बट नॉट शुगर डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट। ते नाही कंपेरेटिव्हली नाही घ्यायचं जाते
why I am insisting that flaxseed oil. फ्लैक्सीड ऑयल में एक ऐसा घटक है, आपने मेरा बुक पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, आप कुछ पढ़ते हो यहाँ जाने के बाद पढ़ो, 40 इंग्रेडिएंट्स लिखा है मैंने, 10 अमीनो एसिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, एंड एड में लिखा है एक इसेंशियल फैटी एसिड EFA, ये जो एक EF है ना वो फ्लैक्सीड ऑयल में है, और वो उसके लिए मैं फ्लैक्सीड ऑयल खाने के लिए बोलता हूँ, वो अगर दूसरे ऑयल्स में नहीं है तो वो ऑयल खाने से क्या मतलब है, इट इज फॉर दैट वन EFA, why it is essential, जो मैंने 40 घटक दिए हैं, 40 essentials बोलते हैं उसको, why they are essential called essentials, to complete the chemical reaction, wrong, तू तेरी हाँ उत्तर नहीं देता का माना, because body cannot produce those elements, आपको खाने से ही उसको शरीर में डालना पड़ेगा, वो डालने के बाद उसकी मदद से हजारों रसायन बॉडी तैयार करती है, लेकिन वो ये जो बेसिक 40 घटक है ना वो बॉडी तैयार नहीं कर सकता, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है, दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल, अदरवाइज व्हाई एसेंशियल, बॉडी तैयार कर, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट एसेंशियल क्योंकि बॉडी तैयार करती है, खाने की जरूरत नहीं, खाओ तो ठीक है लेकिन आपूर्ति के लिए खाने की जरूरत नहीं, बॉडी तैयार करेगी, वो इसमें भी अभी वो आएगा ना, आई हैव लेटेस्ट डेली पॉइंट में मैंने डाला है वो, अभी आप जब आएगा तब पढ़ेंगे, फ्लैक्सीड ऑयल मतलब ओमेगा 3 जो बोलते हैं ना उसमें भी दो पार्ट है, EPA और DHA, तो उसका भी कितना प्रमाण है उसमें वो देखना पड़ेगा, अगर बच्चा है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, अगर बूढ़ा है तो वो पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, वेन यू विल रीड दैट पॉइंट यू विल गेट टू नो, फिर भी हम कहाँ सोचते हैं ऐसा, जब मैं बोलता हूँ मैंने थोड़ी बोला EFA अगर ये इतना उसका उम्र है तो ये EPA इतना होना चाहिए, इतना उम्र है तो DHA इतना होना चाहिए, इतना बारीकी से हम अगर देखेंगे ना तो वो संभव नहीं होगा, सम टोटल थोड़ा उसके पेट में जाओ जो होगा तो, लेकिन टेक्निकली यू शुड नो कि जब बच्चा बढ़ता है पहले 5 साल का तो उसको दोनों में से कौन सा ज्यादा चाहिए ये तुमको मालूम होना चाहिए, हमेशा वैसा आपके खाने पीने में होगा ऐसा गारंटी नहीं है, बट आपको पता नहीं है उस बात का ये ना हो, वो तो मैंने पॉइंट दिया है, आप जब डेली पॉइंट में पढ़ोगे तो ओमेगा 3 के लिए अदर सोर्सेस क्या है फ्लैक्सीड के अलावा फिश कोई भी उस देख कोई भी बोलने से होता नहीं कुछ फिश में उसका प्रमाण ज्यादा होता है लेकिन नॉर्मली फिश ऑयल जो बोलते हैं ना और क्रिल बोलते हैं क्रिल क्रिल ऑयल कैप्सूल से अलग है ना क्रिल ऑयल में फिश ऑयल से ज्यादा है क्रिल ये प्राणी है मालूम है ना KRIL क्रिल दूध में एक विटामिन डी थोड़ी मात्रा में है आप विटामिन डी पर चर्चा होगी आज तक क्योंकि पहले वाले पैरामीटर्स में हमारा विटामिन डी रह गया है और एक दो जो रह गया है पैरामीटर्स वो आज थोड़ी चर्चा करेंगे यूरिक एसिड पर रह गया ना और लिवर ऑयल विटामिन डी सब विटामिन डी है ये जो क्रील वाला जो क्रील बता क्रील ऑयल तो पर्टिकुलर कैसे इंग्रेडिएंट हो क्रिल जब बोला मिलता है क्रिल इट इज अनखिन रिच इन दैट फ्लैक्सीड पेक्षा चांगला है फ्लैक्सीड पेक्षा फिश चांगला है फिश पेक्षा क्रिल चांगला है एब्जॉर्प्शन वाइज सुधा एब्जॉर्प्शन अवेलेबिलिटी वाइज एब्जॉर्प्शन वाइज सो बिफोर वी स्टार्ट अपन अपने जे मेंबर्स हैं त्यांना अप्रिशिएट करूया आणि ते आपल्या ओळख पण करून देतील परत अप्रिशिएट करू द्या आप अपना परिचय करा दें सारे ग्रुप को एंड
संक्षेप में कैसे आप यहाँ आए और क्या आपने किया क्या नहीं किया. देखो सक्सेस इज नॉट द स्टोरी, आपने क्या किया और क्या नहीं किया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इंट्रोड्यूस कराइए पहले एंड देन. मेरा नाम अविनाश खानोड़े का है, बाय प्रोफेशन एडवोकेट. लास्ट 18 ईयर से मुझे डायबिटीज है और लास्ट 4 साल से मुझे इंसुलिन और इंसुलिन फेब्रुवरी मंथ में इंसुलिन 60 यूनिट पर डे इतना हुआ था. मेरे वाइफ के भाई उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे जो दोषी जो है उनके पास डायट फॉलो करने के लिए आ जाइए. मतलब उसमें मुझे विश्वास नहीं था, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता कि मेरे को विश्वास ही नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना 60 यूनिट होने के बाद 100 यूनिट होने के बाद भी टाइम जाने वाला नहीं शॉर्टली हो जाएगा. मैंने बोला ठीक है कोशिश करके तो देखते क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 2-3 महीना और आगे जाएगा और क्या होगा. तो यहाँ आने के बाद मैंने दादा को मिला, उन्होंने मुझे डाइट दिया जो डाइट मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया. मैंने कुछ भी सवाल मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, मतलब मैंने ये क्यों पूछा नहीं है क्योंकि वो एम्प्टी कप रहता है ना वैसा मैंने फॉलो किया और उसका रिजल्ट 2 महीने में मेरा इंसुलिन टोटल गया. जो टैबलेट्स का पावर है वो हाफ से कम हो गया और मेरा वेट है वो 9 kg से कम हो गया. क्या बात है, 4 महीने 2 महीने में मेरा भी वजन कम नहीं हुआ. मैं इतनी कोशिश करता हूं. डाइट 2 महीने पूरी थी उनके 2-3 महीने पूरे थे. और अभी भी डाइट मेरा वही फॉलो है. मैं आज सिर्फ उनको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ दादा को. और दादा ने मुझे बोला कि आप बैठो और आपको सबको बोलो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और वो कोई मॉर्निंग वॉक किए बगैर वजन कम हुआ उसका? कोई दंड बैठा सूर्य नमस्कार योगा प्राणायाम कपालभाती कुछ नहीं किया? राम हमारा जप करे हम बैठे आराम करो वजन कम हो जाएगा आपके सामने प्रमाण है वो. और सिर्फ डाइट फॉलो मतलब टाइम टू टाइम डाइट फॉलो भी जा रहा है बस. बाकी और ऐसे है कि मैंने अभी आप तो मेरे मतलब दादा ने मुझे देखा है ऐसा मुझे लगा कि मेरा अभी 10 साल और 15 साल से मेरा लाइफ बढ़ गया ऐसा भी लगा, मतलब यंग हो गया ऐसा लगा. चेहरा बना आपने 3 महीने आला होता तो प्राउड माणूस वाटत होता, आता तो वयस वाटतोय माणूस. मला हे सगळे सबने मुझे ऐसा बोला है कि आप अभी जो ये लगा दिया डाय गए तो आप तो कॉलेस्ट्रॉल लग गया भी अप्रिशिएट हो गया. और बाद में सब लोग ने जाके मुझे पूछा कि क्या किया आपने, क्या किया? तो मैंने बोला कि क्या किया है मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा. लेकिन आपको 4-5 चीज छोड़नी पड़ेगी, चाय कॉफी शुगर इन यूनिफॉर्म बिस्किट बेकरी प्रोडक्ट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स. बोलते नहीं हमको सुबह चाय लगते है फिर मत करो. क्या करें फिर मत करो. जिसको ये 2 महीना और मैंने उनको बोला कि ये 2 महीना टोटल फॉलो करो, बाद में मेरे को मिलो, मैं बाद में आपको नंबर देता हूँ वहाँ जाके. ये ऐसा फिल्टरिंग ही होना चाहिए, पहले ही बोलो अगर छोड़ सकते हो तो आओ, अगर डोंट तो माय वेस्टिंग माय टाइम. माय एनर्जी टाइम लिमिटेड है तो जिसको नहीं छोड़ना है. आज एक अभी मीटिंग चल रही थी हमारी सुबह, एक व्यक्ति सज्जन बाबा, लेकिन हम कब गलती कर सकते हैं? अरे तू कुछ कर ही नहीं रहा है, तू गलती कब कर सकते है उसका गणित वो लगा रहा था कि भाई हम गलती कब कब कर सकते हैं, पहले करो तो सही. और इसके बाद डॉक्टर ने मेरा अप्रिशिएट किया, डॉक्टर बोला कि यहाँ पे जो आते हैं इंसुलिन बढ़ती है, आप फर्स्ट पेशेंट इंसुलिन कम हो गया और गई. तो उन्होंने मुझे पूछा आपने क्या किया, क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मशीन लिया उसमें चेक कर दो बस. Actually that we suggested him, you know, to check and write down number of level post lunch. और लिखते गए हो डॉक्टर को दिखाते गए वैसे वैसे कम करते गए. और भी आगे जाके बोला कि सुबह आज भी मैं चेक करता हूँ, डेली मैं चेक करता हूँ, मॉर्निंग को एक ही बार मॉर्निंग को चेक करता हूँ, वो 100 के नीचे रहता है. शुगर बढ़ने के बाद शरीर में क्या क्या नुकसान होता है एक, और इतना इंसुलिन डालने के बाद शरीर में क्या क्या होता है, दोनों से बच गया ना वो. और उनको हाइपो होता था,
बिकॉज़ ऑफ इंसुलिन आता ते म्हणजे उलटा आहे आपका डाइट चालवले का तो इंजन हायपर होऊन जातो तो डॉक्टर ने ऑटोमेटिक कम कम करते की अभी इंसुलिन बंद आपला डाइट म्हणजे नॉर्मलच आहे आपण काही त्याला आणखीन जगावेगळा डाइट नाही सांगितलं हॅलो सर इनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो डाइट मैंने बताया वो कोई ऐसा विशेष एक रोग के रिलेशन में डाइट ऐसा नहीं है नॉर्मल जो फंडा है वही वाला है टू टाइम्स कार थ्री टाइम्स नॉन कार विद दैट दिस थिंग दैट दैट्स ऑल मेरा कहने का मुद्दा ये है कि फिर से मैं आपका ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि अपना डाइट रोग रिलेशन में नहीं है कोई भी व्याधि हो उसको जब आप स्वास्थ्य के रास्ते पर चलोगे तो बीमारी अपने आप हटेगी बीमारी हटाने की कोशिश नहीं करते हम उस व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत है उसके ब्लड रिपोर्ट्स और उसके टारगेट्स पर के आधार पर हम तय करते हैं और उसको बोलते हैं पुणे में भी एक केस रहा एक ही फूड पैटर्न में एक उमेश करके लड़का है उसका 7 किलो वजन कम हुआ 3 महीने में और एक डॉक्टर नागर गोजे वो न्यूट्रिशन में पीएचडी है खुद व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है उसका वजन 3 महीने में 3 किलो बढ़ा एट एज 59 अभी अबाउट टू रिटायर जैसे गाल ओवरऑल है त्या माणसा दे 59 एज ला सो तुकतुकीत दिसायला माता राय म्हणतो जर रिक्रूटमेंट केलं तर पुन्हा तुला अपॉइंटमेंट मिळेल त्याच्यामध्ये एक ही डाइट तो वो दोनों चकित हो गए कि एक ही डाइट में एक का वजन कम हो रहा है एक का वजन बढ़ रहा है दैट मीन्स ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने वेबसाइट पर दिया है मैंने वी डू नॉट एड्रेस योर प्रॉब्लम्स एट 7 पॉइंट इस व्यक्ति को इस समय क्या सही है खाना वो हम तय करते हैं और बाकी बॉडी देखते हैं जब सुबह के मीटिंग में बात छेड़ी तो सबको थोड़ा धक्का लगा अरे भाई आपके हमारे प्रॉब्लम इस है कि हम आपके पास आ रहे हो और आप पहले पल्ला झाड़ देते हो कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ प्रॉब्लम तो आपके सेटल मैं नहीं करूँगा लेकिन बॉडी को हम कैपेबल बनाएंगे प्रॉब्लम्स सेटल करने सो दैट इज हाउ एक ही सिस्टम में अलग अलग उसके जो एरिया है हाउ दैट इज कवर्ड गुड तो बेसिकली कैसा हुआ था कि मेरा मुझे सब मैंने आपको बोला ना मुझे ब्रिज है तो उसका शॉर्टकट दिखा दे ये ब्रिज से चढ़ने का नहीं चढ़ के चल रहा अबे ऐसा नहीं है ब्रिज है ठीक है चल 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 ऐसा भाई 10-15 बार भी ब्रिज चढ़ के निकल नीचे उतर सकते हो आता तेरा प्रश्न है ऐसा कितने दिवस करेगा बस मेरा कहना ये है कि नो दिस इज लाइफस्टाइल आपका शरीर ऐसा है ना अभी अगर ऐसा नहीं होता तो आपके लिए अलग डाइट होगा अगर आपका शरीर ऐसा है तो इस पे टिके रहो तो आप सुरक्षित रहोगे अब थोड़ा डेविएशन कर सकते हो कभी स्वाद के लिए बोलो या फिर फंक्शंस है एक बार आप एक सेफ जोन में आ गए तो फिर थोड़ा करो लेकिन आई वुड नॉट एडवाइस कि जहां तक हो सके मत करो लेकिन जब आप बात को बुनियादी रूप में समझे हो तो कर सकते क्योंकि क्या गलत कर रहे हो और आगे जाके उसको कैसे ठीक करना है दोनों बताए आपको तो करो अभिमन्यु नहीं होता रहा तुमचा आप कसं द्यायचं माहिती आहे बाहेर जायचं तसं माहिती नाही देन डोंट कमिट मिस्टेक अगर आप अंदर कैसे जाना है मालूम है बाहर कैसे आना मालूम है तो कभी कभी अंदर जाके थोड़ा अनुभव कर सकते हो आई वुड से नो बट अगर कोई चाहता है एक नए गेस्ट बोलो या फिर वुड बी मेंबर बोलो जो भी है आप अपना परिचय करा दें एंड हाउ यू आर हियर इन 2 मिनट में समझे नमस्कार मेरा नाम अशोक कुमार दामोदर पाटिल है रहने के लिए मैं थाना में हूँ एक 4-5 महीने पहले सर का एक वहाँ पे लेक्चर हुआ था रामभाव मार्गी सवाल गया उसमें तो मैंने उनका सुना था मैं ऑलरेडी आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करता हूँ उसके पीछे समय भी देता हूँ जब सर को मैंने पहली बार सुना तो मैं थोड़ा इनको फॉलो करना थोड़ा ज़रूरी है और बीच में फिर मुझे थोड़ा सा तकलीफ होने लगा तो मैंने मेरा ब्लड रिपोर्ट निकाला ब्लड रिपोर्ट में जो भी आया वो दिखाने के लिए मैं सर के पास लास्ट 8-10 दिन पहले सुनकर मिल के गया तो इन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आइए हर सर ने मीटिंग करके हम लोग आपको गाइड करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है तो मुझे और ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी रिपोर्ट भी सर को दिखाना है उसके बाद में वो क्या बताते हैं कैसे बताते हैं उसको फॉलो करना है तो करने के बाद जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसको
तो ही नाउ कंसल्टेशन के मोड में है, तो एक बार आके देखो ही इज प्रोफेशन इज ट्यूशंस, दोनों भाई पति पत्नी दोनों ट्यूशंस करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि एवरी ईयर यू हैव एक 20-25-30 पेरेंट्स आपसे जुड़ जाते हैं, अगर आप इस बात को समझो और धीरे धीरे अपने बच्चों के थ्रू या पेरेंट मीटिंग के थ्रू उन तक बात पहुंचाओ तो थोड़ा काम स्प्रेड होने में, और आपके ही बच्चे हैं, आप उनको गणित सिखाते हो जो भी भाषा सिखाते हो उसको विषय, दूसरी तरफ से फूल अगर उनका ढंग से मिले उनको तो आपके बच्चे और स्वस्थ हो जाएंगे, काम अच्छा जाएगा। तो इसलिए कोशिश है कि वो जुड़ जाए, जैसे देखेंगे। सो अमूल का पिज्जा चीज आता है ना वो विदाउट प्रिजर्वेटिव, मोजरेला, प्योर मोजरेला। अरे नॉर्मल स्टोर में मिलता है, नेचर बास्केट में भी मोजरेला तो नॉर्मल, हाँ कहीं पे भी मिलता है, मिलता है वही येलो कलर का पिज्जा जैसा होता है, हाँ ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ। कुछ 3-4 चैप्टर्स मैंने पढ़े और उसमें मेन पॉइंट क्या है मैं आपको बोलूंगा, चैप्टर तो आपको खुद को ही पढ़ना है आगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उसमें मुख्य मुद्दा क्या है आप उसको समझें, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी मिल जाएगी। फिर से मैं कहना चाहूंगा, पॉइंट लिख लो, ये कि ये जो हम केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या ड्रग्स जिसके बारे में एक साथ में अभी चर्चा कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसका हेतु क्या है, क्यों कर रहे हैं। मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, आपको मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी नहीं है, आपको मुझे बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ानी नहीं है, मात्र हेतु इतना है कि शरीर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए कुछ केमिकल टर्मिनोलॉजी हमेशा यूज करूंगा मैं, और सामने वाला भी व्यक्ति करेगा, तो उसका क्या अर्थ है, फंडामेंटली क्या अर्थ है ये समझने के लिए टर्म्स हम समझ रहे, तो हमारी सारी कोशिश ये टर्म्स का अर्थ क्या है ये समझने में है, वो विषय समझने के लिए नहीं है हमारा प्रयास। तो अभी मैं 1.32 बॉन्डिंग ये चैप्टर पर हूँ, अब लिख लो इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 1.32 बॉन्डिंग, और हुआ ये है कि मैंने देखा एक दो चैप्टर अभी आगे भी जो होने वाले हैं, जो पहले मैंने लिया है वो मुझे बाद में रखना है, बट चैप्टर का नाम बॉन्डिंग है, इतना ध्यान रखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैंने आप क्या करना है ना वो आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। सी बॉन्डिंग एक पेज है, ये इस पेज में मैंने जितने येलो लाइंस ड्रॉ किए हैं ना आर द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कंसीडर, बस बाकी का जो चवई तुही है, समझते चवई तुही, चवई तुही संस्कृत, मतलब अगर कोई श्लोक लिखना है या कुछ कविता लिखना है तो अगर वहां कुछ कम पढ़ाना शब्द च वय तू ही आर द फोर वर्ड्स और अल्फाबेट्स विच आर यूज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, यू नो वृत्त, समझते ना वृत्त, सात शब्द होने चाहिए, पांच शब्द,
तो अगर पांचवा कम पड़ता है ना तो कहीं चर लगाओ कहीं वर लगाओ तो वो पूरा हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं उसको, सिर्फ फिल इन द गैप्स। तो बाकी का जो सब फिल इन द गैप्स है, ये जो मार्क, सो आई वांट यू टू वर्क लाइक दिस। अब बॉन्डिंग ये विषय है, ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कहते हैं हम, उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वीक है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है, तो क्या होता है ये बॉन्ड, तो उसके बारे में थोड़ी संक्षेप में वहां नोटिस मिली है। तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट शैल अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंटेन टू और मोर एटम्स। मतलब दो या दो से अधिक एटम के बीच में जो आकर्षण है उसको बॉन्ड बोलते हैं। कितनी सिंपल वर्ड है, तुम अपने से खुद से पढ़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो मुद्दा क्या है, दो एटम के बीच में जो आकर्षण है उसको बॉन्ड बोलते हैं। ओके, एक पर दो टाइप के बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। देखो पहले, पहले शब्द देखो, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, टू और मोर। उसके नीचे साथ में देखो वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब यही मुद्दा आपको ध्यान में रखना है, बाकी बहुत कुछ लिखा है वो ध्यान में मत रखना। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ना दो टाइप के बॉन्ड है, एक आयोनिक बॉन्ड, एक है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, लास्ट बट वन मंथ जब हमने वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पहला चैप्टर स्टडी किया था उसमें लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सेंट्रल के ऑर्बिट में, तो आयोनिक बॉन्ड का फंडा क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड की लिखो, जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस ये बॉन्डिंग चैप्टर में ये तीन शब्द ही इंपॉर्टेंट है। पांच पेजेस है, बहुत चित्र है, आकृति है, फलाना है, ढंग है, मुद्दा ये है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में दो है, एक आयोनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट। आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। अब उदाहरण के रूप में उन्होंने क्या दिया, वो एक एक उदाहरण लिख लो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इतना ही लिखो, फ्लोरीन आणि लिथियम से दोन शब्द लिया, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सोडियम आणि क्लोराइड, सोडियम आणि क्लोराइड बॉन्डिंग आयोनिक आयोनिक प्लस सीएल माइनस सोडियम क्लोरीन। तो इन दोनों में जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
H2O पानी कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है और सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड से। एकदम सिंपल है, दावी पर्यंत ते सायन्स बस इतना भी समझो। और एंड में यहाँ दिया है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का कंपैरिजन चार सेंटेंस में दिया है। बस ये बॉन्ड चैप्टर की अहमियत खत्म। अब इतना एक बार पढ़ो लेकिन ये कौन सा सूत्र इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो मैंने मार्किंग किया है ना, ये मार्किंग में जो शेयर डॉक्यूमेंट है ना वहां भी मैं कर डालू ताकि आप जो उतना पढ़ो। मैं चाहता हूं आप पढ़ के ढूंढो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो नहीं होता है ना तो ये जहां ये मार्किंग किया है ना वो बैंड वहां में लगा दूंगा कि आप उतना पढ़ो काफी हो जाएगा। आई रिमेम्बर माई मम्मी यूज़ टू डू दिस, इतनी बड़ी वो नावल मुझे देती थी तो मैं इतना मेरे से पढ़ना नहीं होगा। फिर लास्ट पेज पर ना मैं कौन से पेजेस पढ़ू उसकी लिस्ट वो चिपका देती थी, बस इतने पेजेस पढ़ो तो उतना पेजेस में बढ़ता था। तो चलो उस बारे उतना तो पढ़ना होता है, तो वो नहीं। बॉन्ड एनर्जी 1.3.23 इसमें एक सिंपल संकल्पना है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी उसमें प्रोहेड करनी पड़ती है और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये मुद्दा नहीं, कैसी मिलती है? सूरज की एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बॉन्ड के रूप में पकड़ी जाती है। सन एनर्जी इज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना एक सेंटेंस लिखो बस काफी है। सन एनर्जी इज कैप्चर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। मैं एकदम ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस मुद्दा समझने के लिए, ताकि आप जब पढ़ोगे ना वो तो ये मन में रख के कि ये पॉइंट है। फिर जब हमें वो हमारे शरीर के अंदर जो वो बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो वहां से एनर्जी मिलती है, वो सन एनर्जी मिलती है हमको। देखो बॉन्ड के बनने और बिगड़ने में एनर्जी का आदान प्रदान हो जाता है, सिंपल। तो सूरज की जो एनर्जी है वो बॉन्ड में कन्वर्ट होती है, पकड़ी जाती है, सॉरी बॉन्ड में कैप्चर होती है, स्टोर होती है, और वो एनर्जी डाइजेशन के बाद हमारे शरीर को अवेलेबल होती है। This is the flow of energy cycle. फिर उसमें आगे पॉइंट है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये मुद्दा सिर्फ लिख दो। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक यानी ऊर्जा रिलीज होती है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद तापमान बढ़ता है, मतलब अंदर की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में वो रिसीव होती है। एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में वो रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में वो शोषण होता है, रिसीव होती है। और उसके
प्लस माइनस से मालूम पड़ेगा कि एंड रिएक्शन क्या है। ये टोटलिटी में एनर्जी रिसीव करने वाला रिएक्शन है कि एनर्जी रिलीज करने वाला रिएक्शन है, ये मालूम पड़ता है। उसको एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी। चमक रखनी, ये मुद्दा अगर आपको किसी को समझाना है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है ये मालूम होना चाहिए। कोई वजह पेट पर ठंडी पट्टी रखने से क्या फर्क पड़ता है, वाय क्यों फर्क पड़ता है, तो ये गणित है उसका। डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है, तो रिलीज होती है हीट। उस समय अगर आप उसको ठंडा करोगे तो उसकी जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, पचन होगा नहीं, फिर अपचन हो जाएगा उस व्यक्ति, इनडाइजेशन हो जाएगा, माल डाइजेशन हो जाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद ठंडी पट्टी नहीं रखना, ठंडा पानी भी नहीं पी सकते, ठंडा पानी भी अवॉइड करो। मैं पीता हूँ लेकिन अवॉइड करो।